श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आज मैं अपनी आवाज़ में बट सावित्री व्रत विधि बताने जा रही हूँ। आपको इसमें कहीं भी गलती या कुछ लगे तो आप कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना, तो मैं इससे भी अच्छा बताने की कोशिश करूँगी। बट सावित्री की व्रत की विधि विधान। इस दिन स्त्रियां सुबह सवेरे केशों को सहित स्नान करें। तत्पश्चात एक बांस की टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। ब्रह्मा के बाण पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्तियां स्थापित करके दोनों टोकरियां बट वृक्ष के नीचे रखनी चाहिए। सर्वप्रथम ब्रह्मा और सावित्री का पूजन करना चाहिए, उसके बाद सत्यवान तथा सावित्री की पूजा करें तथा बट के पेड़ के पानी दें। जल, फूल, मौली, रौली, कच्चा दूध, सूत भिगोएं, चना, गुड़ तथा धूप दीप से बट वृक्ष की पूजा करी जाती है। बट वृक्ष को जल चढ़ाकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। बट के पत्तों के गहने पहनकर बट सावित्री की कथा सुननी चाहिए। भींगी हुए चने का ब्याना निकालकर उस पर रुपया रखकर अपनी सास को दे तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि सास दूर हो तो ब्याना बनकर वहां भेज दे। बट तथा सावित्री की पूजा के बाद प्रतिदिन पान, सिंदूर तथा कुमकुम से सुहागिन स्त्री की पूजा का भी विधान है। पूजा के समाप्त होने पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि बांस के पत्ते में रख कर दान करनी चाहिए। यदि आपके आसपास कोई बट वृक्ष नहीं है तो दीवार पर बट वृक्ष की तस्वीर लगाकर पूरी श्रद्धा और आस्था से पूजा करें। इसके पश्चात बट सावित्री कथा सुननी चाहिए।